कृष्णा, सब भक्तों का मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रपा जी का कोट है 1974 हैदराबाद। कृष्णा इज डांसिंग यू हैव सीन, सिमिलरली आवर पोजिशन इज सिंपली डांसिंग विद कृष्णा एंड बीइंग हैप्पी, दैट इज आवर पोजिशन। बट वी हैव कम टू दिस मटीरियल वर्ल्ड to enjoy independently of Krishna. Therefore, we have been captured by the illusory energy. इसका हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण नित्य कर रहे हैं, आपने देखा है, इसी प्रकार हमारी स्थिति केवल श्री कृष्ण के साथ नित्य करने और प्रसन्न रहने की है, वह हमारी स्थिति है। किंतु हम इस संसार में श्री कृष्ण से स्वतंत्र हो रहकर भोग करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें माया शक्ति ने बांध लिया है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जी दोनों प्रभु, यस प्रभु, दोनों प्रभु। इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद टॉप मोस्ट फिलोसफी में बता रहे हैं, फिलोसफिकली हम भगवान के साथ रहते हुए, उनकी लीलाओं में भाग लेते हुए, उनके साथ नृत्य करते हुए आनंद प्राप्त करने की हमारी नेचुरल स्थिति है, टेंडेंसी है, यह ऐसा होना चाहिए। लेकिन रूपा जी कहते हैं कि हम यहाँ आए हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा एंजॉय करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण से अलग रहकर हम एंजॉय करना चाहते हैं, प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमें माया जो है वो पकड़ लेती है, घेर लेती है। तो ये क्यों होता है, क्यों हम यहाँ आते हैं, हमारी को भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता भगवान ने दी हुई है, उस स्वतंत्रता का मिसयूज करके हम सोचते हैं कि हम उनसे अलग रहकर अधिक प्रसन्न हो सकते, क्योंकि जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, चैतन्य महाप्रभु ने बताया हमारी स्थिति है कि भगवान के हम सेवक हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है और उस सेवा में ही हमें आनंद है। लेकिन हम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये सोचते हैं कि हम क्यों हमेशा इनकी सेवा करते रहे, हम स्वामी बने, स्वामी बनने के लिए हम इस भौतिक जगत में आते हैं और यहाँ माया के चंगुल में फंस जाते हैं, माया के दास बन जाते हैं। टू सर्व इज अवर नेचुरल पोजीशन, सेवा करना हमारा स्वभाव है, या तो हम कृष्ण की सेवा कर लें या फिर माया की सेवा कर लें। तो माया की सेवा करना हमने स्वयं चूज किया है, हमें जबरदस्ती यहाँ नहीं भेजा गया, तो ये फिलोसफी हमें चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने, श्री प्रभुपाद जी ने इस चंगुल से माया के बचने का हमें उपाय भी बताया, संकीर्तन मूवमेंट। ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, ये वास्तव में भगवान के साथ नृत्य करने का ही साधन है। जब भक्त जन संकीर्तन करते हैं और नाचते हैं, ये वास्तव में रासलीला जैसी ही स्थिति है, इसे इसमें वही आनंद शुद्ध भक्तों को प्राप्त होता है जो भगवान के साथ गोलोक में नित्य करने में प्राप्त होता है। हम सबके लिए उपलब्ध है, जितने महाप्रभु की लीला से हमें पता लगता है कि किस प्रकार वो अपने भक्तों के साथ कीर्तन किया करते थे, नृत्य किया करते थे और वही गोलोक का आनंद स्वयं प्राप्त करते थे औरों को देते थे। शिवास प्रभु के आंगन में, के घर में हर रात महाप्रभु नृत्य करते थे और अपने कुछ विशिष्ट प्योर डिवोटीज के साथ उन कीर्तन करते थे। उसमें हर किसी का प्रवेश नहीं था, केवल शुद्ध भक्त ही जा सकते,
एक बार एक दुग्धाहारी ब्राह्मण जो केवल दूध पीता था और कोई भी कुक्ड चीज नहीं खाता था, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि वो दूध भी रा दूध गाय के निकला और पी लिया, उसको भी उबाल कर नहीं पीता। उसकी इच्छा हुई कि मैं महाप्रभु का नृत्य देखूं, कीर्तन सुनूं। शिवास से उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, शिवास से उसने रिक्वेस्ट किया। शिवास ने अनेकों बार उसको मना किया, लेकिन बार बार प्रार्थना करने लगा। तो शिवास ने उसको कहा कि ठीक है, तुम छुप कर महाप्रभु का कीर्तन और नृत्य देख सकते हो। श्रीवास ने उसे घर के अंदर छिपा दिया, लेकिन महाप्रभु भगवान है, अंतर्यामी, उसे कुछ जानते। तो उन्हें कहा श्रीवास को, श्रीवास लगता है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नहीं होना चाहिए, मुझे कीर्तन में नृत्य में आनंद नहीं आ रहा। तो श्रीवास झूठ तो बोल नहीं सकते थे, उन्होंने कहा महाप्रभु कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, एक बहुत अच्छा ब्राह्मण है, बहुत बड़ी तपस्या करता है, बहुत दुग्धहारी, केवल दूध पीता है वो, उसकी इच्छा थी कि उसको मैंने अंदर बुला लिया। महाप्रभु बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने कहा तुरंत उस ब्राह्मण को घर से बाहर निकाल, दूध पीने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब उसको बाहर निकाला जा रहा था, वो ब्राह्मण सोच रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैंने कुछ मिनटों के लिए सही मैंने चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखा, और ये उनके मुझ पर कृपा है कि उन्होंने मुझे चेस्टाइज किया, मुझे निकाला। अपने मन में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा था, कृतज्ञता दिखा रहा था महाप्रभु के प्रति, शिवास के प्रति। तो महाप्रभु ने जब उसकी इस मनस्थिति को देखा, ये भी हो सकता कि वो गुस्सा करता कि मेरे को निकाल दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, नहीं ऐसा नहीं था। तो जब उसके इस एटीट्यूड को देखा तो महाप्रभु ने उसे बुलाया और कहा कि देखिए कृष्ण की भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की कृपा दूध पीने जैसी तपस्या से नहीं प्राप्त की जा सकती, इसे केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता। वो कीर्तन का आनंद, वो रासलीला का आनंद केवल शुद्ध भक्तों को ही मिल सकता। महाप्रभु ने कई एग्जाम्पल दिए उस समय, उन्होंने कहा कि गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था, उसने फूल अर्पण किया भगवान उसको, उसकी रक्षा करने के लिए। ध्रुव महाराज की आयु क्या थी, 5 साल के थे, उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो आयु कोई बाधा नहीं है, एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उन्हें मृगारी का उदाहरण दिया कि मृगारी ने कौन से पुण्य किए थे, उसने नारद मुनि का कहना माना, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। उन्होंने कुब्जा का उदाहरण दिया कि कुब्जा कौन सुंदरी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप थी, लेकिन उसने जो कंस के लिए वो चंदन और अंगराग बनाकर ले जाती थी, उसने खुशी से भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया, श्री कृष्ण से बहुत प्रसन्न हुए, उसे मथुरा की सबसे सुंदर महिला बना दिया, उसका कूप निकाल दिया, और फिर उसकी इच्छा पूर्ति के लिए एक दिन उसके घर पे गए। अनेकों उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने दिए। उनका विदुर, उसका जन्म कौन सा बहुत बड़े परिवार में हुआ था, उच्च जाति में हुआ था, उदासी पुत्र थे, लेकिन श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे, किस लिए कि वो भक्त थे। सुदामा बहुत बड़े धनी थे क्या, निर्धन थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, श्री कृष्ण को मिलने गए तो अपने पड़ोसियों से मांग कर कुछ थोड़े चावल के दाने लेकर गए थे, लेकिन उनकी भक्ति थी, श्री कृष्ण ने चावल के दानों को बड़े प्रेम से खाया और उसका बहुत सुंदर आदर सत्कार किया, उसे अपने सिंहासन पर बिठाया। और ये भी कहते हैं भक्तजन कि उन्हें उनके पांव को भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से धोया,
उनकी भक्ति के कारण। महाराज उग्रसेन वो क्या बहुत वीर थे, शौर्यवान थे? नहीं, लेकिन वो भी भक्त थे। श्री कृष्ण ने उन्हें सम्राट बनाया द्वारका का, मथुरा का, और स्वयं उनकी आज्ञा का पालन करते थे उनकी भक्ति के कारण, कृष्ण पर उनके स्नेह के कारण। जटायु मांस भक्षी पक्ष, लेकिन उसने सेवा की, जानते हुए भी कि रावण से वो जीत नहीं सकता। जब सीता जी को रावण उठाकर ले जा रहा था तो उसने युद्ध किया, जो कर सकता था किया उसने, और रावण ने उसके पंख काट दिए, घायल होकर नीचे गिरा। भगवान श्री राम आए, श्री राम ने उसे देखा उस स्थिति में, उसे सारी बात बताई। श्री राम बड़े रोए हैं, उसे अपनी गोद में लिया, अपने अलकों से उसके शरीर को साफ किया और कहा कि तात, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पंख फिर से उगा सकता हूं, तुम जियो जितना जीना चाहते हो। जटानी ने कहा कि नहीं भगवान, मैं एक मांस भक्षी पक्षी हूं, आपकी गोद में हूं, मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, इससे अच्छी मरने की स्थिति क्या हो सकती है, मैं जाना चाहता हूं। वो भगवान के धाम चले गए और भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनकी क्रिया की भक्ति के कारण। तो महाप्रभु उस ब्राह्मण को बता रहे हैं कि तपस्या से, दूध पीने से, उपवास से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान को प्राप्त नहीं किया सकता। उनकी रासलीला में, उनके आनंद में, उनके साथ विहार किया जा सकता है शुद्ध भक्ति के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसमें हम वास्तव में कृष्ण की लीला, रासलीला में, लीला में ही सम्मिलित होते हैं यदि हम संकीर्तन मूवमेंट को अपनाते हैं। प्रभुपाद जी ने कृपा करके इस संकीर्तन आंदोलन को सारे विश्व में फैलाया और किसी को ये सुविधा उपलब्ध कराई कि वो माया के जाल से बचकर श्री कृष्ण की शरण में आए और उनके साथ आनंद प्राप्त करे। महाप्रभु ने हमें बताया दिया और श्री प्रभुपाद जी ने हमें इसका एक सरल उपाय बताया कि हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाए, शुद्ध भक्ति को अपनाए। शुद्ध भक्ति का मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। भारतवर्ष में 99% लोग आस्तिक हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ज्योतबत्ति करते हैं, आरती करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन उसके बदले में वो भगवान से कुछ मांग लेते हैं, भौतिक वस्तु मांग लेते हैं। इसलिए उन्हें जो परम आनंद है कृष्ण के साथ विहार करने का, वो प्राप्त नहीं होता। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, हम ज्ञान कांड में ना फंसे। हम ज्ञान कांड का लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति में समाना। कर्म कांड में ना फंसे, उसका लक्ष्य होता है स्वर्ग के सुख प्राप्त करना। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करें, प्रतिकूल भाव से नहीं। प्रतिकूल भाव से कंस भी भगवान को याद करता था, शिशुपाल भी याद करता था, लेकिन उनकी भक्ति अनुकूल नहीं। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, कृष्ण की हम अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन का मतलब है उनके लिए कुछ करें हम, और अनु का मतलब है निरंतर करें और किसी के अनुगत्य में करें, मतलब है एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेकर करें और निरंतर करें, ऐसी भक्ति उत्तम भक्ति। इस भक्ति के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी की कृपा से उत्तम भक्ति करने का अवसर हमें उपलब्ध है। हम भक्तों के साथ रहकर, बड़ा अच्छा है आप सब लोग प्रातःकाल जप करते हैं, ये आपकी उसका समर्पण का द्योतक है, आपके इंटरेस्ट का द्योतक है, बहुत
इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, इसे करते रहिए। 16 माला जप प्रतिदिन करें, हम भक्तों का संग करें, चार पाप के कार्यों से बचें और जितना हो सके हम भगवान की सेवा करें। अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम, सेवा का मतलब प्रचार कार्य में सहायता करें। हर बार ये बात बताई जाती है, इसे हम यदि अपनाते हैं तो हम माया के चंगुल से छूटकर श्री कृष्ण के धाम में स्थित हो सकते हैं और उनके साथ फिर हम नृत्य कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बताया कि बहुत ही सुंदर तरीके से कि भगवान को प्रसन्न करने का तरीका सिर्फ भक्ति है और भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, इसको विस्तार से आपने बताया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी।